तू तो है या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या दोस्तों, मैं संदीप राजपूत और आज किसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि गडर क्या होते हैं और स्ट्रेसिंग करने के बाद स्ट्रेसिंग कहाँ पे किया जाता है और स्ट्रेसिंग करने के बाद वो जो गडर होता है वो गडर को हम गटर नहीं गडर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये गडर को हम कैसे कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, वो ब्रिज जो है फ्लाईओवर वो बनता कैसे है, तो इस बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको गडर किसको बोलते हैं और सब कुछ डिटेल्स में मैं बताता हूँ, शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, टेक्निकल रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन का या फिर जो भी आपका मन में जो भी आए टेक्निकल रिलेटेड बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने का या फिर उसका उस टाइप का वीडियो बनाने का और पोस्ट करने का कोशिश करूंगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, चैनल का भी ख्याल रखना, मैं आपका ख्याल रखूंगा, बाय। जैसे ही मैं आपको बोला था गडर क्या होते हैं, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे ये जो लंबा लंबा पड़ा हुआ है ना, इसको हम गडर बोलते हैं। ये आई टाइप का दिख रहा होगा कुछ, इसका जो शेप है ना ये आई टाइप का है, तो इसको हम आई गडर बोलते हैं। और जो बॉक्स टाइप का होता है तो उसको बॉक्स गडर और यू गडर बहुत सारा बोलते हैं, जब उसमें काम करूंगा तो उसका बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारा गडर है, लेकिन देखिए ये जो गडर है ना इसका दोनों साइड में सरिया निकला हुआ है, बोलते रॉड जो है ना बार जो निकला हुआ है, तो ये बीच का है, सेंटर का है। और ये वाला जो गडर है ना इसका देखिए एक साइड में सरिया निकला हुआ है और दूसरा साइड में कुछ नहीं है, तो ये पुल का जो जब ब्रिज में जब लगेगा ना ये ब्रिज का एक साइड में लगता है, ठीक है। तो इसको हम उठा के कहाँ पे रखेंगे मैं आपको अभी तो फिलहाल बता देता हूँ कि इसको कहाँ पे हम रखेंगे उठा के। अभी देखिए ये जो थंब दिख पा रहे होंगे आगे, इसका ऊपर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, मेरा उंगली शायद देख पा रहे, ये जो है ना एक दो तीन चार पाँच, ये जो पांच है ना ये पांचों का ऊपर उसका अगला वाला जो है ना, देखिए यहाँ पे जो पांच बना हुआ है इसका ये वाला जो स्लैब बना हुआ है इसका ऊपर में भी वैसे ही पांच है, तो यहाँ से हम पांच गार्डर को उठा के उसका ऊपर डालेंगे। तो सिर्फ इसका ऊपर इसको डालने के बाद इसका ऊपर में जो बार्स है ना देख पा रहे होंगे, इसका टॉप में जो बार्स है उसका ऊपर स्लैब का ढलाई होगा, कॉन्क्रीट होगा। और दूसरा बात ये जो आपको बता देता हूँ डिटेल्स में, एक मिनट, हाँ तो आप देख सकते हैं इसको हम स्ट्रेस कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेसिंग करने के बाद ये गार्डर है, गार्डर को स्ट्रेसिंग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। देखिए ये वाला जो है ना शायद आपको धूप में नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ये वाला जो है ना ये इसमें हम कैप नहीं लगाए हैं क्योंकि इसमें कुछ क्रैक था, तो इसको हम माउंटिंग कर दिया है। और इसको स्ट्रेसिंग करने के बाद लॉकिंग के बाद मैं बताया था आप लॉक करने के बाद कैसे होता है और केबल काटा जाता है, तो इसको लॉक करने के बाद ये जो होल दिख रहा है ना ये ग्राउटिंग होल है, तो इससे हम कंक्रीट और सीमेंट डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है सीमेंट वो टाइट होने के बाद ना हमारा जो केबल है उसको पकड़ लेता है, तो इसमें हमारा अभी कुछ रिस्क नहीं है। और ये जो है माउंटिंग किया हुआ है बोले तो सीमेंट ऊपर से डाल के कुछ बनाया गया है। और ये वाला शायद आप देख पा रहे होंगे इसमें देखिए एक राउंड शेप बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें हम कैप लगाए हैं, तो ये बराबर था तो इसमें कैप लगाया गया। और ये जो छेद है ना एक साइड से हम कंक्रीट डालते हैं और दूसरा साइड में वो डमी निपल बैठा देते हैं जिससे ये बंद हो सके, तो देख पा रहे होंगे ये जो डमी निपल यहाँ पे दिया हुआ है इससे हम बंद करते हैं, वहाँ से हम एयर भी बाहर निकाल सकते हैं। और एक बात ये ऐसे बता देता हूँ, ये जो केबल गया है ना इस मुंडी से लेके एंड तक, ठीक है, इसमें इसका जो सेंटर पॉइंट होता है सेंटर में हम जीरो पे बोले तो एकदम नीचे रखते हैं, और धीरे 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 इसका ड्राइंग में जैसा था कि साइड में वो चार इंच का हाइट में होगा और धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा वो हाइट बढ़ता जाएगा। और ऊपर वाला जो है ना आप सोच रहे हैं कि ऊपर वाला वो बीच से गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बीच वाला जो केबल गया हुआ है ना वो भी सेंटर में जाके जीरो में लग गया, बोले तो ग्राउंड में टच होता है, ठीक है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही बताता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे बनाने की कोशिश करता हूँ, और ड्यूटी टाइम में तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, फिर भी बनाने की कोशिश करूँगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, आप जो वहाँ का जो पिलर है ना पिलर के ऊपर जो पाँच स्पेस शेप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसका ऊपर में देख सकते हैं आप ये जो बोला था ना एक
दो तीन चार पांच ऐसा है ना। तो ये जो स्लैब का ढलाई हुआ है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो स्लैब का ढलाई हुआ है ना, इसका ऊपर में भी देखिए वैसे ही पांच है, एक दो तीन चार पांच, उसी पांच का ऊपर पांच को डालेंगे ठीक है। उसका बाद जो होगा वो फिर नीचे से कुछ बना के, अगर ये मेट्रो का काम होता तो इसमें क्या होता है, मेट्रो इसमें अगर मेट्रो का काम होता तो हम साइड से भी वो स्ट्रेस करते ठीक है। तो फिलहाल इसमें स्ट्रेस नहीं होगा, इसको गटर को ऊपर में शिफ्ट करने के बाद कंक्रीट हो जाएगा ऊपर में ठीक है। उसमें पार्ट पार्ट होगा, ये जो लेंथ है ना 27 मीटर 800 का, ऐसे 27 मीटर 800 में अलग अलग पार्टीशन में ढलाई किया जाएगा ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखना, चलन का भी ख्याल रखना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। बाय बाय।